हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो भाई आज हम जो ऐसे जो ट्रैक्टर भाई इसके बारे में बात करें, जो इन भाई साहब हैं इनसे किस मिठाई क्या लगी, बुराई क्या लगी, और भाई किस काम में इसको यूज करते हैं, और भाई खेती में क्या सीन चल रहा है आजकल, कमाई है क्या नहीं है, इनको बीज के रेट मिलते क्या नहीं मिलते। तो राम राम भाई साहब क्या हाल है। बढ़िया है। क्या नाम है, कहाँ से हो। कैमरी गाँव से भाई। अच्छा, क्या नाम आपका। रणवीर। आपका भाई साहब सुरेश। आप कहाँ से हो। कैमरी से। दोनों भाई हो। हाँ। अच्छा, यो के काम करते करो इसमें यूज। खेती का काम करिया करा भाई। अच्छा, इस पे दोनों को आगे इसकी बस की बात को नहीं, एक दो किले कर सके यो। हाँ, यो दो चार किले तो हो जावे, फिर इसकी खिंचाई कम है थोड़ी भाई बट्टा में। हाँ, की ट्राली ट्रुली का काम हो जाए थोड़ा। मेनली इसने नहीं ड्राइविंग पे काम करे, के भट्टा पर लगाए थे इट्टे कुमाटे काम करे, कि खेती तो भाई इसकी बस की बात को नहीं। बार बोन में थोड़ा सा कम है, बाकी तो खिंचाई ठीक है इसकी। अच्छा, दंदूड दे सोता ने सारा ने। पक्की बात है। हाँ, काम ने। अच्छा, लेबर चाहिए बस। बढ़िया, पूरा लठ गेट दे। हाँ, लठ काट दे जमाइन। अच्छा, कदे गेडे है। रोज ही काटना हम तो। अच्छा, तो इसमें आप ईट लेके जाओगे, मट्टी का काम करो। खेती का काम करा करा मैं तो, घर का लकड़ी लकड़ी ढोली तूड़ी की ट्राली दिया। अच्छा, स्प्रे कर दिया। उसमें काम करते हो। हाँ। तो भाई साहब, यो रोड पर तेल कितना पीवे है। रोड पर तो हमने भाई कदे नापा को नहीं। क्यों, कदे काम ही कौन करा रोड का, तो खेत खार का काम करा करा घरेलू ही। अच्छा, तो रोड पर तो आप कौन चला दे। रोड पर चला दे हम तो, कड़े भिड़ गए मर जावा। ये पड़े खड़े हो। अरे ये तो रोड पर गया है, उरा डल लगे बिल्डिंग करवाण आ रहे हैं। अच्छा, क्या बात। तो भाई साहब, आप इसमें खेत में जब काम करो। हाँ। इसमें कौन कौन सी में लगाओ ये संज। संज हेरा भी, कल्टीवेटर भी, कल्टीवेटर सुहागा, बिजाई की मशीन। अच्छा, स्प्रे वाला ड्रम, केप्टी पे चला दी मैं दुबिल पे। अच्छा, तो उन सब में किसा काम करो, कितना तेल पीवे हर संत की बात। तेल थोड़ा ही पीवे ही हो भाई, सबसे कम तेल पीवे। अच्छा, आपके तरह यो भी ट्रैक्टर के, और भी कोई ट्रैक्टर है। यो ही है ट्रैक्टर, और भी है इसके भाई का जॉन डियर ट्रैक्टर है। जॉन डियर भाई साहब। हाँ। भाई साहब नु को जॉन डियर तेल का पीपा है। ज्यादा खाओ भाई तेल तो जॉन डियर है। ज्यादा खावे फिर रह क्यों रहे हो। मतलब कितना लाख का लिया था आपने वो जॉन डियर है। लगभग कितना का लिया हुआ। 4.5 का, 4.5 का लिया था। पुराना लिया था क्या। हाँ, पुराना लिया है। अच्छा, फिर जॉन डियर क्यों लिया भाई साहब। फिर आपने उसका बेड़ा था क्या, तेल का ना पिया करे हो। भाई ने बढ़िया लागे भाई। हाँ। इसकी चॉइस हवा दो। अच्छा, लेकिन आंगा बहुत लगाओ ट्रैक्टर। हाँ। वो या बात तो कहनी पड़ेगी उसकी। हाँ। तेल पे संग पी, लेकिन आंगा में कोई कमी करूँ उसमें है नी। आंगा में कोई कमी, मेरा भाई उधर ट्रैक्टर काम में भाई, तेल तो पियोगा लेकिन आंगा ऐसा लगा था कि और ही बस की बात को नहीं। आंगा बढ़िया लगा ट्रैक्टर की बात कहीं। तो भाई साहब, इसके ब्रेक इसे लग गए। इसके ब्रेक ठीक है, काम चला दे बढ़िया वाला। अगर मैंने कौन दे जोंडी यार, बरगे तो लगे को नहीं ना, उस बरगे तो हुआ नहीं भाई, बाकी काम सही चला दे। अच्छा, कोई आज तक दे खड़े ब्रेक मारे इसमें ना लगी कोई मारा के खड़े खड़े तो मान लो भाई काम कौन बढ़िया मारा था वो इतना के। मान लो आप पछे कोई अपना सामान जोड़ रखे अपन है, ठीक है, आपका स्पीड में चला ट्रैक्टर एकदम, कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, कोई आदमी भी आ जाए, खड़े ब्रेक तो मारने पड़ते हैं उस रहे। तो कोई रहा अनुभव आपका जीवन में। इससे सोचता होया कोनी भाई मारे से कितने एक बारी। भगवान करे भी ना मम तनु एक वहां कदे मारना पड़ जा ब्रेक भाई नहीं लागे। एक भाई नो को इसके ब्रेक ऑन लाग दे, ब्रेक मार दे, 1 किलोमीटर जाके रुके ट्रैक्टर। ना ना इसी बात है यार, याद मेरा अगला माई ठुक जी रुक रुक के। अच्छा, क्या बात है, ऐसा कुछ है। इसकी लिफ्ट किसी लग गया आपने। लिफ्ट लाप सही है इसकी एकदम बढ़िया। अच्छा, कितना में ठेले यो लग बो ठेले। हाँ, कितना ठेले है। 500 मन बो ठावा ही है यो, मट्टी की ट्राली चकते। अच्छा, क्या बात है। तो ऐसा कुछ भाई हो, और वेट ही बात करना, इसमें वेट है कौन का होना चाहिए वेट, आगे भी पाँच छः अगर बात करा तो हम भाई इतना तो हमने अंदाजा को नहीं। अच्छा, तो नू ट्रैक्टर नू क्वालिटी वाइज बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, क्लच में किसान बोल रहे हैं, मतलब क्लच किसी लगी आपने, इसकी हार्ड तो नहीं क्या गणी। ठीक है, मक्की बढ़ी है वो तो अपने अपने हिसाब हो जाए सारे दिन, इसमें अच्छे उसके हिसाब से अच्छे नहीं होता। अच्छा, तो उसमें कोई फर्क नहीं आवे। क्या बात, ऐसा कुछ। तो भाई साहब, आपने लगातार कितने घंटे चलाया होगा ट्रैक्टर बिना रुके। कितने
कितने घंटे चलाए बता रहे हैं? दस दस घंटे चला दे ये लगातार थोड़ा चलाए थे। अच्छा एंडी भाई अपना है तो उस टाइम पे भाई साहब इसमें हीटिंग इशू आ मतलब गर्म हो था ट्रैक्टर कितना गर्म हो जाता है पक्की बात है। अच्छा तो भाई साहब नहीं दो एक मिनट जो खेती नहीं उसके बारे में बताओ आजकल खेती में क्या सीन चल रहा है भाई साहब? खेती में सीन का तो यार गेंदा लग गई भी फिर भी कमाई कमाई तो रहनी को नहीं यार अभी तो करता ही लग गया खेती में तो करता ही लग गया भाई। अच्छा आप कितने किले खेती करो? हम तो 5000 एक किले करा भाई खुद खुद के है ठक्कर लिया करा खुद के थोड़े है। अच्छा तो कमाई कौन रही इस बार? कमाई कौन रही भाई बूंदा नकीजा आपका इफेक्ट है आपकी जो खेती पे जो राम बरसिया था कब पीछे और उससे सारा बर्बाद हो गया यार नुको दे इस बार तो फसल बढ़िया हुई है लेकिन फिर राम ने वैनी के दिमाग में माता ही बूंद गेट थी ऊपर से बूंद गेट तकड़ी बारिश करी है उससे सारा सौदा बर्बाद हो गया। अच्छा क्या बात। और भाई साहब जो बीज के रेट मिला आपने मिला है क्या ब्लैक में मिला है बीज हो गया खाद बीज ब्लैक में मिले है ये भी तो मिली नहीं क्या क्या पता ये क्या क्या डाले है अड़ंगा बड़ी उसमें हुई है ट्रैक्टर अपने इस तरह बैठे थोड़ा है ये भी खाद करिए तो बड़े परेशान होना पड़े अभी यूरिया नहीं मिल रही यूरिया के लिए परेशान हो रही है। अच्छा क्या बात ईसा कुछ है यो भाई ट्रैक्टर है भाई साहब अगर आज के टाइम को खेती करना चाहो उसमें फायदा है करने में? भाई कोई फायदा को नहीं हम तो नहीं कहूँ कोई और काम कर ले तो बढ़िया है। अच्छा अगर आपके बेटे खेती करना चाहो उन्ती करने दोगे आप? भाई खेती बेटे करेंगे कि ना करेंगे पता नहीं जमीन बचेगी नहीं हुए होंगे इतने मार दो हैं जमीन भी नहीं बचेगी उतना तो केबरों के हो जाएगा। अच्छा थोड़ी थोड़ी पानी आवे पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी क्यों और के। अच्छा मैं ले कोई किला ठीक है भाई साहब एग्जांपल के रूप में ले वहाँ क्योंकि इस किला पे किसान भाई कितने पीछे लग जाए कोई अनुगाव तो उसने मिला कितने कितनी मेहनत करनी पड़े उसने खूब मेहनत करनी पड़े भाई दिन रात है। अच्छा सारा सत्ता है जानवर है आवारा पशु है और है नुकसान ही नुकसान है। अच्छा कोई कमाई कोई नहीं? कोई कमाई कोई नहीं भाई खेती में और ना करनी चाहिए तो भाई बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी खेती नहीं करनी चाहिए नहीं भाई साहब भी मना कर रहे भाई भी मना कर रहे हैं भाई अगर खेती करें तो आप के डिमांड करोगे यार हमारी यहाँ चीज ठीक होनी चाहिए अगर हम खेती करा तो ताकि भाई हमारा जी करे खेती करने की आप एक अन्न देवता हो भैया सारा सौदा महंगा हो रहा है खेती में बचत तो को नहीं टेम्पो बिके को नहीं बिके तो पीछा को नहीं आप कितने लाख की फसल बिकी भैया लाख बिकी फसल तो वही को नहीं अब की बार तो बर्बाद ही होगी सारी फसल है नरमा पड़े वो कीड़े का खाइडा बोले वही को नहीं कोई क्यों गंदा हो रहा है खराब है। अच्छा बाजरी थी वह भी खराब होगी वह भी नहीं बिकी 1200 11 बिकी पीछे। अच्छा क्या बात है देखो बुरा हाल भाई किसान भाई का अरे टाइम अपना बुरा किसान का तो जमा अरे टाइम अपना तो जो किसान भाई है उनके लिए खड़े होने का उनकी उनकी आवाज पहुंचाने का हर घर में भाई देखो कितना तंग हो रहे हैं। और भाई वो ट्रैक्टर था इस का ट्रैक्टर जो कि आपने भी देखा तो भाई बताना आपको कैसा लगा और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो भाई कुछ समय के लिए और देख लो एक अपना भाई है सौरभ भाई उसके शॉप है जहाँ पे मैं भाई ये वीडियो बनाता हूँ भाई जो किसान भाइयों की जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आते हैं अपना किसान भाई आते हैं अपना जो ट्रैक्टर के अंदर काम करवाने के लिए तो सोचा यार भाई का भी कुछ हम सपोर्ट कर देंगे यार अगर कोई किसान भाई अपने ट्रैक्टर के अंदर ट्रॉली के अंदर कोई क्या भी कोई संज उसके अंदर काम करवाना चाहते हैं तो एक बार भाई आप यहाँ पे आना ठीक है तो भाई आपको यहाँ पे सौरभ भाई मिलेंगे तो उनसे मिलना आप और मेरा नाम लेना कि वीरेंद्र भाई की जो वीडियो है हम उसको देख के आए हैं आपके पास ठीक है तो देखो भाई आप तो एक बार भाई मैं आपको ना 5-10 मिनट इनकी जो शॉप है इसके बारे में बताता हूँ कि इनकी शॉप कहाँ पर पड़ने वाली है आप फ़ोन नंबर मिलेंगे क्या लोकेशन रहेगी
और अगर किसी किसान भाई को अपना जो ट्रैक्टर उसकी वीडियो बनवानी है तो भाई आप यहाँ पे आ जाना। मैं मेनली भाई दोपहर को 1 बजे से लेके और 3 बजे तक मैं आपको मेनली यहाँ पे मिल जाऊँगा, तो आप अपना जो ट्रैक्टर इसको लेके यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको नई शॉप दिखा रहा हूँ भाई, शॉप देख लो, ये कैमरी रोड है भाई, ये जो सामने आर्यन स्कूल है ना, इसके सामने आपको जो इनका शॉप है ये रहने वाली भाई, काफ़ी बड़ी शॉप है भाई ये, और हिसार के अंदर भाई, काफ़ी अच्छा नाम है शॉप का। जब भी भाई मैं इनके पास आता हूँ वीडियो बनाने, तो जब स्टार्टिंग में जब आया था मैं इनके पास, तो किसी ने मेरे को राय दी थी कि यार एक बार आप ना यहाँ पे जाओ सौरभ भाई के पास, और भाई अभी आया हूँ देख लो, सुबह से लेके अब तक ना करीबन 5-10 ट्रैक्टर आ लिए इनके पास, दो तो अभी आए मेरे सामने ही, तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास जो ट्रैक्टर वो आते रहते हैं भाई। तो एक बार चलिए मैं आपको इनका शॉप ये दिखाता हूँ, देखो भाई ये ट्रॉली आई हुई इनके पास, इसको भी तैयार करेंगे, देखो लगभग कर ही दिया तैयार। जो ये चादर ना भाई, ये लगाइए देखो, यहाँ पे लगाइए और वहाँ पे लगाइए और पीछे लगाइए, मतलब ये चादर लगने वाली है, 3 शीशे लगी थी इसके, मतलब देख लो आप यहाँ पे कैसा काम किया गया। किसान भाई हो आप बताओ कि ये आपको काम कैसा लगा इनका देखने में, और सौरभ भाई की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, देखो कितना बड़े तरीके से भाई काम किया, और भाई खुद भी काम करते हैं और शॉप को भी संभालते हैं, ठीक है। और ये इतने भाई हैं, ये सब इधर रहते भाई, आपको मैं जो किचन है वो भी दिखाऊंगा और कहाँ पे सोते हैं वो भी दिखाऊंगा, एक प्रॉपर इनका शॉप का टूर देने वाला हूँ भाई मैं आपको, और ये क्लिप मैं आपको मेरी जो हर वीडियो देंगे ना उनमें ऐड करने वाला हूँ, ताकि अगर कोई किसान भाई ये वीडियो नहीं देख रहा तो अगली वीडियो में देख के इनके पास आए और एक बार काम करवा के देखे, आप खुद बोलो कि वीरेंद्र भाई तूने बढ़िया जो शॉप हमें वो दिखाई है। तो भाई ये ट्रॉली इसके अंदर देखो काम हो रखा है, जो ये चादर लगी है भाई इसके अंदर, ये देखो पीछे भी साइड में और ये दोनों हिस्से में और पीछे लगी हुई जो चादर है भाई आप यहाँ पे देख रहे हैं, और अभी देखो थोड़ा जड़ी की स्मेल आ रही है कि भाई वहाँ पे थोड़ा वो काम चल रहा है भाई साहब का, देखो आप यहाँ पे ये काम हो रहा है भाई इसका। तो अगर आपको ऐसा काम करवाना है अपना जो ट्रैक्टर उसके अंदर, तो आप यहाँ पे ज़रूर आना, ठीक है। देखो भाई ये कि ऐसी जो जो सारी ट्रैक्टर की होती है समझ, आपको यहाँ पे सारी मिलने वाली है रिपेयर के लिए, आप यहाँ पे हो रहे हैं, वो जो राजू भाई साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक बार चलिए उनसे मिलते हैं वो क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो देखो भाई ये राजू भाई साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, हेलो भैया, राम राम भाई, क्या हाल है, बढ़िया, क्या कर रहे हो इसके अंदर आप? अच्छा तो वो ठीक कर रहे हो है, क्या बात। तो राजू भाई साहब ये कर रहे हैं, आप चेक करो देखो क्या बात है। तो एक बार मैं आपको सुनगा जो शॉप पे इसका टूर देता हूँ, तो यहाँ से होते हम स्टार्ट, ये इनका है किचन, तो यहाँ पे भाई इनका ये किचन ही रहने वाला है, देखो आप यहाँ पे, तो इधर ही रहते इधर ही खाते हैं और इधर ही सोते हैं, देख लो भाई इनका ये कमरा है, ये सारी शॉप भाई सौरभ भाई की है, देखो आप यहाँ पे, और जो मैं कहते ना वो चादर वाला काम, देखो यहाँ पे वो काम चल रहा है अभी, यहाँ पे देखो ये काम शुरू हो रखा है, तो जो नीचे वाले एरिया ना भाई उसको निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, फिर उसको निकाल के इसके ऊपर जो नई चादर भाई वो लगाएंगे, ट्रॉली को नया बना देंगे, अभी ट्रॉली को पूरा खोल दिया गया है चारों ओर से, फिर ट्रॉली को एक अच्छी तरीके से एक नई दुल्हन की तरह तैयार करने वाले भाई, जो ट्रॉली को देख लो भाई आप यहाँ पे, क्या बात है। क्या नाम था इस भाई का? रोशन भाई कर रहे हैं भाई ये, भाई बोला हाथ ही ला दे, देख भाई रोशन भाई को आप देख लो, तो ये है, तो यहाँ पे भाई इनका अपने कमरा देख ले भाई, इधर ही रहते हैं ताकि जो कस्टमर को ना प्रॉपर तरीके से काम करके जाएं, ताकि कहीं और क्या होते हैं मेरे को जाना भाई घर पे जाना है 5 बज के 6 बज के चलो हम जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रॉपर तरीके से इधर ही रहते हैं, और भाई 7 के 7 दिन ये खुली रहती शॉप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, अगर हम इसके साइड की तरफ आते हैं यहाँ पे भाई आपको जो ये ओका दरा है, जो हमारे भाई साहब है कोई ओका पीने का शौकीन है तो यहाँ पे ये ओका पी सकते हैं। ये पीछे भाई सरफदा मिलने वाला है, जो यहाँ पे भाई ये
कुछ चीज तैयार कर रहे होंगे भाई, आका पता नहीं ओका के लिए तैयार कर रहे होंगे भाई। यहाँ पे भाई पीछे की तरफ इनका जो ये ओपन एरिया ताकि कोई सामान आया है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे रखा जाए। क्या मान लो कि संज है उसको ना टाइम लगने वाला है 4-5 दिन, तो पीछे की तरफ आप यहाँ पे उनको ये रख देते हैं, ठीक है। तो भाई देख लो पूरा खुला एरिया है, ये नहीं है भीड़ भाड़ में कोई है। और भाई साफ़ सफाई का भी ध्यान दिया हुआ है कि आजकल भाई डेंगू बहुत फैल रहा है इस शहर के अंदर, तो मच्छर बहुत हैं कीटाणु, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आप देख लीजिए भाई, यहाँ पे इतना कोई खास नहीं दिखाने लायक, जो दिखाने लायक आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ट्राली की को तैयार कर रहे हैं भाई यहाँ पे रोशन भाई साहब, तो अगर मैं आपको इनकी जो शॉप वो दिखाता हूँ। चलो वो कुछ मतलब ना 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 इनकी ये शॉप इकट्ठी है भाई ये रहने वाली है। ये भाई इनका यहाँ पे बैठने के लिए भी जो सौरभ भाई है वो भी जा रखे हैं मार्केट के अंदर, अभी आ जाएंगे, उनसे मैं आपको मिला दूंगा, उनका नाम फ़ोन नंबर मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूँ। और अगर यहाँ पे बात करें देखो भाई सारे टूल आपको मिलने वाले हैं भाई इनके अंदर, सारे टूल देखो यहाँ पे सोने के लिए भाई साहब और नहीं दिया भाई, देखो ये खजाना है भाई। जो ये मान लो कि जो ट्रैक्टर को रिपेयर करते हैं क्या फिर कोई कार को भी रिपेयर करते, तो उन सभी के लिए खजाना है भाई ये। और इनके पास भाई हर टूल का आपको यहाँ पे सामान मिलने वाला है, देख लो आप यहाँ पे, मतलब यार इतने नट बोल्ट भाई क्या आपने कभी देखे अपने जीवन में, देखो कितने नट बोल्ट, देखो हर प्रकार के भाई छोटा से लेके बड़े से तक, ये हो गया देखो कितने नट बोल्ट है, देखो क्या टूल देखो भाई हर टाइप के टूल पूरी बाल्टी भर रखी है टूलों की। देखो अगर आप कोई भी चाबी पन आपको अगर मिलता नहीं है ना कहीं पे भी, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला अपना जो ट्रैक्टर उसके अंदर कहाँ आना पड़ेगा सौरभ भाई के पास, जो कैमरी रोड पे आपको ये शॉप ये रहने वाली आर्यन स्कूल के सामने ही। ये तो भाई आपको जो क्लिप आपको मेरी हर वीडियोस में मिलेंगी जो यहाँ पे बनने वाली है, और मैंने सौरभ भाई को बोल दिया भाई आपकी मैं जो मैं क्लिप डाला करूँगा ताकि भाई आपका कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। हमारी जो वीडियोज़ हैं अगर हमारी वीडियो से अगर एक किसान भाई भी आता है इनके पास, तो भाई मैं बोलूँगा कि मैंने एक बढ़िया काम किया है सौरभ भाई के लिए। तो भाई जो भी हमारा किसान है भाई ये वीडियो देख रहा है भाई एक बार प्लीज़ आना इनके पास, ठीक है। एक बार आके देखोगे ना बार बार आओगे इनके पास काम करवाने के लिए, बस इससे ज़्यादा भाई आपको मैं क्या बताऊँ। देख लो भाई आप यहाँ पे हर टाइप का टूल मिलने वाला, हर टाइप का क्या बात है, हर टाइप की जो एक गिरारी होगी देख लो भाई क्या बात है, किसान भाइयों के लिए तो भाई ये जन्नत है देख लो। तो भाई देखो आपको कुछ ऐसी मिलेगी, यहाँ पे भाई सोने का सामान रखा हुआ है। अगर हम पीछे की तरफ आते हैं भाई देखो इनकी शॉप का टूर देखो पीछे ही भाई, ये नहीं कैसा देखो यहाँ पे भी आपको कुछ ये सामान मिलने वाला भाई, देखो ये दो खाट रखी हुए हैं और क्या बात है देखो। ये तो भाई पीछे कोई वो सामान है जैसे कि कोई और चीज़ दिखानी हो, तो यहाँ पे देखो भाई यहाँ भी आपको सारा सामान मिलने वाला, देखो क्या बात है गजब चीज आपको मिलेगी भाई यहाँ पे देखो। ये भाई के सौदा जो पूछेंगे भाई साहब तो काटर का सौदा पाओ भाई, है नहीं भाई मैंने इतना मेरा को नहीं बताया कौन सी मशीन है यार, सरो भाई तो पूछा है कौन सी मशीन है जब आ जाएंगे नहीं उन तो पूछा है कौन सी मशीन है यार। देखो भाई ऐसा कुछ भाई अपने मिलेगा देखने, ये सारी यार सामान दे रखा जो समझोगी ट्राली होगी क्या फिर जो ट्रैक्टर उसको कुछ भी सामान डालना उसको कुछ चीज़ का ठीक करनी हो। और देखो भाई ये हुक मिलेंगे अपने ट्राली वाले भी कि कहीं ट्रैक्टर क्या करें कि यार मैं थोड़े छोटे हुक दे हैं इतने बड़े हुक देते तो आप आ डाके उनका हुक बनवा लें, देखो कितना बड़ा हुक मतलब शानदार हुक ये बना रखा मतलब कि हैवी वाला, ठीक है। देख लो भाई अपना आड़ा सारा सामान मिला, देखो ये टूल देखो कितने सारे ओड़ा देखे उड़ा देखे टूल है टूल है देखो नरे देखी मतलब कि अलग सिस्टम खड़ा करे क्या सौरभ भाई ने भाई उड़े देख लो ऐसा कुछ आपने मिलेगा। तो ये सौरभ भाई आओगा तो उसके बाद मैं आपको मिलाऊंगा सौरभ भाई तो जानेंगे इन तय इनकी शॉप के बारे में कड़ा इनकी शॉप इनके फ़ोन नंबर हैं देख लो भाई। यह चादर हुआ है जो ट्राली पे पीछे है या इस पे आवेगी जो ट्राली आप दिखे इसने नहीं बना देंगे इस पे चादर लगा देंगे ठीक है ट्राली की। तो देखो आप ये सारी कैट दिखो तो इसने भी कैट देंगे कुछ टाइम के बाद, अभी अगर भाई साहब जो राजू भाई वाला काम करो लगे तो इसने पूरा निकाल देंगे हटते ठीक है। तो उसके बाद जो चादर इस पर अभी छाई जाओगी चादर आप यार देखो
तो जो रोशन भाई साहब है ये लगाऊंगे इसके अंदर, तो देखो आपने कुछ ऐसी मिलेगी भाई शॉप। भाई अगर सौरभ भाई का आने का वेट करते हैं तो भाई अपने ऐसी कुछ शॉप ही रहने वाली। और चलिएगा जानते हैं इनसे ना इनका नाम फोन नंबर शोरूम की लोकेशन कह दो सौरभ भाई उनसे। तो आपके नाम फोन नंबर और शोरूम की लोकेशन आपकी केयर होगी। एड्रेस तो यही है पंजाब दर्शी अंदर शॉप का नाम है। अच्छा। स्कूल के अपोजिट साइड में है, कैफे रोड पे है। अच्छा। 4 से 4 किलोमीटर। अच्छा आपका फोन नंबर क्या होगा? फोन नंबर रहेगा 9138293226। अच्छा वह अगर किसी ना काम करवाना जो अपने जो ट्रेलिस के अंदर तो आप यहाँ पे प्लीज आए।